राष्ट्रगान और उसके बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ, गुजरात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ देश के केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने बनासकांठा जिले के नाडाबेट में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है। नाडाबेट भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ दर्शनीय स्थल की वजह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये गुजरात का पहला ऐसा बॉर्डर पॉइंट होगा जहाँ वाघा बॉर्डर की तरह दर्शक दीर्घा, फोटो गैलरी और हथियार टैंकों का प्रदर्शन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि गुजरात के व्यू पॉइंट को पंजाब के वाघा बॉर्डर व्यू पॉइंट के तर्ज पर बनाया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रगान के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस दौरान आसमान में तिरंगे के रंगों को भी उड़ाया गया। बॉर्डर पर पूरा का पूरा माहौल देशभक्तिमय हो गया। अमित शाह के आसपास सेना की टुकड़ी भी नजर आई। हालांकि नाडाबेट में केवल BSF के जवान ही प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ वाघा बॉर्डर की तरह रिट्रीट सेरेमनी नहीं की गई, यानी इस कार्यक्रम में पाकिस्तान की सेना शामिल नहीं हुई। बता दें कि नाडाबेट का पॉइंट भारत पाक सीमा से 20 से 25 किलोमीटर पहले बनाया गया है। नाडाबेट अहमदाबाद से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरतलब है कि 50 साल पहले 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश की मुक्ति हुई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत की जीत के इस मौके को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। नाडाबेट सीमा दर्शन हमारे वीरों की कहानियों को एक बार फिर हमारे सामने रखेगा। इससे गुजरात टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ 1971 की कहानी को फिर से जीवंत किया गया है। जानकारी की माने तो यहाँ नाम निशान के नाम से आर्ट गैलरी भी है। इसके अलावा एडवेंचर एरिना एक्टिविटी जोन भी है, जिसमें जिप लाइनिंग से लेकर शूटिंग, क्रॉसबो, पेंटबॉल, रॉकेट इजेक्टर जैसी चीजों का लुत्फ उठाया जा सकता है। वहीं BSF को समर्पित एक संग्रहालय भी तैयार किया गया है, जिसमें MiG-27 लड़ाकू विमान और BSF स्तंभ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया है।